चाईबासा में गर्जे अमित शाह, कहा पक्का भरोसा है सिंहभूम सीट प्रचंड बहुमत से जीतेगी भाजपा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम स्थित चाईबासा के टाटा कॉलेज ग्राउंड में आयोजित विजय संकल्प महारैली में पहुंचे। अमित शाह के मंच पर आते ही उत्साहित कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारे लगाए। मन से कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि हेमंत सोरेन जी, चाईबासा की आवाज सुनिए, अब चुनाव के मैदान में आप आएंगे तब आपको पता चल जाएगा। उन्होंने कहा कि घुसपैठियों ने जिस तरह से आदिवासियों की डेमोग्राफी बदलने की कोशिश की है, हम उसकी भर्त्सना करते हैं। फसल बीमा योजना 44 लाख, उज्ज्वला योजना 33 लाख, पीएम किसान योजना 27 लाख, 40 लाख शौचालय स्वच्छ भारत अभियान के तहत दिया। बाबा की नगरी देवघर में एम्स का निर्माण शुरू किया। देवघर, जमशेदपुर, दुमको और बोकारो में एयरपोर्ट का निर्माण शुरू हुआ। इसके साथ साथ टाटा नगर के ढालभूमगढ़ में एयरपोर्ट बन रहा है। पतरातू में पावर प्लांट का निर्माण किया। पलामू, हजारीबाग, दुमका में मेडिकल कॉलेज बनाए। मैंने लंबी सूची बताई। हेमंत भाई, आपने क्या किया, एक बार जनता को उसके बारे में बताएंगे। ऐसा ना समझे कि उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने भ्रष्टाचार किया। आदिवासियों की जमीन घुसपैठियों को दिया। जनजातीय महिलाओं की रक्षा की जगह अपनी वोट बैंक की राजनीति करना सुनिश्चित किया। मैंने चाईबासा का मूड देखा है, मुझे पक्का भरोसा है 2024 में सिंहभूम सीट भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी। आगे अमित शाह ने कहा कि रोजगार के नाम पर युवाओं को सिर्फ धोखा दिया गया है, खतियान के नाम पर आदिवासी समाज को धोखा दिया गया है, शिक्षा के नाम पर नौनिहालों को धोखा दिया गया है। चाईबासा क्षेत्र की बंदोबस्ती 1964 में हुई। हो जनजाति के भाई बहन कान खोल कर सुन ले, पूरी बंदोबस्ती 1964 में हुई। अब ये कहते हैं कि 1932 के खतियान के आधार पर ही नौकरी देंगे, तो चाईबासा वालों को नौकरी मिलेगी। उन्होंने कहा कि सिंहभूम से कमल भेज दीजिए, हम क्षेत्र का विकास कर लेंगे। वह आगे कहते हैं कि नौकरी की संख्या बढ़ा दो, अगर ऐसा करने का दम नहीं है तो कुर्सी खाली कर दो, हम यह काम करेंगे। आदिवासी, गैर आदिवासी, पिछड़ा आदिवासी, ये क्या लगा रखा है, झारखंड को बर्बाद करने पर क्यों तुले हो, झारखंड के लोगों ने ही आपको मुख्यमंत्री बनाया। इस राज्य का मुख्यमंत्री तो जनजाति का है, मगर ये सरकार आदिवासियों की विरोधी सरकार है मित्रों, विरोधी सरकार है। इस सरकार के समय में भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर पहुंचा है। इस सरकार के समय में बिचौलिए, दलाल और आदिवासियों के जमीन हड़पने वालों के समय आ गए हैं। आज मैं झारखंड के मेरे जनजातीय भाइयों को कहने आया हूं, एक घुसपैठियों से आदिवासी माता बहनों की रक्षा करने की जिम्मेदारी हेमंत सोरेन सरकार की है या नहीं है, क्या वो पूरी कर रहे हैं? अरे हेमंत भाई, कान खोल कर सुन लो, अब सब आपको जान गए हैं। अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए आदिवासी माता बहनों की रक्षा के साथ उनके भविष्य के साथ जो छेड़खानी आप कर रहे हो, झारखंड का ट्राइबल आपको माफ नहीं करेगा, माफ नहीं करेगा। मुख्यमंत्री बनने के बाद आपने पूरी की पूरी सरकार लुटेरों और दलालों के हाथ में दे दी। अवैध घुसपैठियों जनजातीय बच्चियों से जबरन शादी कर रहे हैं, उनके बाद उनकी जमीन ऐंठ रहे हैं। मैं आज चेतावनी देने आया हूं हेमंत सोरेन सरकार को कि घुसपैठियों के इस हिमाकत को रोकिए, वरना झारखंड की जनता आपको माफ नहीं करेगी। वोट बैंक की लालच जनजातियों के हित में बड़ी नहीं हो सकती, आपने तो आदिवासी होकर ये काम किया है। अमित शाह के इस भाषण के बाद कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला।
इसके पहले ही अमित शाह ने तमाम बड़े नेताओं के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक के बाद ही वह मंच पर पहुंचे। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।